हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेरा अगेन हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो रिक्वेस्ट वीडियो है। हमारे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है कि हम अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का सर्विस टैग या फिर सीरियल नंबर कैसे निकाल सकते हैं अगर वो हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से मिट चुका है। एक्चुअली होता क्या है, जो आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होता है उसका सर्विस टैग या फिर सीरियल नंबर आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के पीछे लिखा हुआ होता है। अगर आपका वो मिट जाता है तो उसको आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यही बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप का सर्विस टैग या फिर सीरियल नंबर कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू निकालना चाहते हैं तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि सर्विस टैग और सीरियल नंबर निकालने की जरूरत क्यों होती है। जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर डेल का है या फिर आपका एचपी का है या फिर किसी और कंपनी का है और आपके अपने कंप्यूटर के लिए ड्राइवर डाउनलोड करना चाहते हैं उनकी वेबसाइट से, तो उसके लिए वो आपको आपका यहाँ पर से, जैसे यहाँ पर देखिए मॉडल नंबर पूछ रहा है, और अगर आप यहाँ पर से डेल की वेबसाइट में जाते हैं तो यहाँ पर आपसे ये सर्विस टैग या फिर प्रोडक्ट आईडी या फिर सीरियल नंबर पूछता है। तो अगर आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप का सर्विस टैग या फिर सीरियल नंबर नहीं पता होगा तो आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप के लिए ड्राइवर जो है वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो सर्विस टैग सीरियल नंबर निकालने के लिए मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप इसको निकाल सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो यहाँ पर ही देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कमांड प्रॉम्प्ट खोलना होगा। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले विंडो और आर प्रेस करना होगा, या फिर अगर आपके पास विंडो 7 है तो आप वहाँ पर से स्टार्ट में क्लिक करके वहाँ पर से भी कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो खोल सकते हैं। सीएमडी लिखेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर से रन प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर से रन पे सीएमडी टाइप करना होगा, सीएमडी। जैसे आप यहाँ पर से सीएमडी टाइप कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ओके में क्लिक करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पर से ओके में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ही देखिए आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो खुल जाता है। तो कमांड प्रॉम्प्ट जैसे खुल जाता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक कमांड टाइप करनी है। वो कमांड मैं आपको बता देता हूँ कि वो कमांड क्या है, WMIC और उसके बाद स्पेस देना है और उसके बाद लिखना है BIOS, BIOS और उसके बाद स्पेस देना है, फिर लिखना है GET, GET और फिर से स्पेस देना है और यहाँ पर लिखना है सीरियल नंबर, सीरियल और बिना स्पेस के नंबर लिखना है, ठीक है। WMIC स्पेस BIOS स्पेस GET स्पेस सीरियल नंबर। तो जैसे आप यहाँ पर से इसको लिख देते हैं, आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है, और जैसे आप यहाँ पर से एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ही देखिए आपको आपका सीरियल नंबर जो आपके कंप्यूटर लैपटॉप का है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो जैसे आपको यहाँ पर से सीरियल नंबर मिल जाता है तो मेरा जो कंप्यूटर लैपटॉप है ये मेरा HP का है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर से HP की वेबसाइट में जाता हूँ और यहाँ पर अपना सीरियल नंबर पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर से सीरियल नंबर पेस्ट करा तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फाइंड माई प्रोडक्ट में क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर से फाइंड माई प्रोडक्ट में क्लिक करूँगा तो ये मेरे को मेरा प्रोडक्ट जो है वो दिखा देगा कि मेरा जो लैपटॉप है वो उसका मॉडल कौन सा है। मेरा जो कंप्यूटर है वो यहाँ पर से देखिए उसका मॉडल नंबर यहाँ पर लिख के ले आया है। तो यहाँ पर से अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर से नीचे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पर से उसको वर्जन बताऊँगा कि कौन सा वर्जन है, और फिर मैं यहाँ पर से अपने लिए ड्राइवर जो है वो डाउनलोड कर सकता हूँ। तो सेम वही केस आपके यहाँ पर डेल के साथ भी है। अगर आप यहाँ पर से अपना सीरियल नंबर लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर से सबमिट में क्लिक करेंगे तो आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट है, और फिर उसके लिए आप आसानी से अपने लिए ड्राइवर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक का हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो यहाँ पर से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपको हमारे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पर से आप हमारे फेसबुक पेज में क्लिक करके यहाँ पर से फेसबुक पेज में आ जाइए और यहाँ पर से हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लीजिए। उससे होगा ये कि जितने भी हम फेसबुक में पोस्ट डालते हैं वो सारे के सारे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।